नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमन जी। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और आज सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और शिंदे गुट से 9-9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट की बैठक है जिसमें मंत्रियों को नामों को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है, उसके बाद राज्यपाल को लिस्ट सौंपी जा सकती है। खबर यह है कि शिंदे गुट के संजय राठौर भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संजय राठौर का नाम टिकटॉक स्टार की आत्महत्या के मामले में आया था, इसे लेकर उस वक्त बीजेपी ने बहुत बवाल किया था, लेकिन बाद में संजय राठौर को तत्कालीन उद्धव मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का विस्तार देखना यह होगा कि क्या फॉर्मूला आज महाराष्ट्र में लागू होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं जो आज शपथ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से मंत्री शपथ ले सकते हैं। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 14 से 15 मंत्री ले सकते हैं, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, समुजय देसाई। इसके अलावा नाम यहां पर आ रहा है तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर। ये सब शिंदे गुट के तमाम एमएलए हैं जो मंत्री पद में आ सकते हैं। दादा भूसे, संदीपन भूमरे, संजय राठौर, ये देखिए, ये आपको हमने 9 नाम अभी दिखाए हैं। ये 9 वो नाम है जो शिंदे गुट के ओर से आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब बीजेपी की ओर से कौन कौन हो सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी से जो सबसे अहम नाम आ रहा है उसमें चंद्रकांत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, गिरीश महाजन है, राधाकृष्ण विखे पाटिल भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरेश अखाड़े हैं, और इसके बाद विजय कुमार गावित है, और साथ ही साथ सुधीर मुनघंटीवार, ये तमाम वो चेहरे हैं। इसके अलावा अतुल सावे, रविंदर चौहान और मंगल प्रताप लोढ़ा, ये बीजेपी के 9 नाम हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। हालांकि बताया जाता है कि हो सकता है बीजेपी से 2 और नाम सामने आ जाए जिसमें एक महिला और एक पुरुष एमएलए हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 14 से 15 जो विधायक हैं मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।